इंदौर, रतलाम, आगर और उज्जैन जैसे शहरों से बड़ी मात्रा में जिले में आ रहा है नशीला पाउडर। एएसपी बोले मुखबिर लगाए हैं, जल्द कार्यवाही करेंगे। एक तरफ सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाकर छोटी मोटी कार्यवाही कर वाहवाही लूट रही है, वहीं महानगरों से नशीला पाउडर निकलकर बड़वानी जिले तक आ गया और जिले भर में धड़ल्ले से बिक रहा है। सूत्रों की माने तो 1 ग्राम पाउडर 3000 मिलाकर उसकी छोटी छोटी 5 से 6 पुड़िया बनाकर प्रति पुड़िया 1200 रुपए में बेची जा रही है। इस नशे की गिरफ्त में बड़वानी जिले के अनगिनत युवा आ गए हैं और जिला मुख्यालय सहित जिले के सेंधवा, राजपुर, अंजर सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुड़िया वाला जहर आसानी से मिल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि गरीबों पर सरकार छोटी मोटी कार्यवाही कर इतिश्री कर रही है और युवा पीढ़ी पाउडर के नशे में बर्बाद हो रही है। वहीं राज्यसभा सांसद उक्त मामले में पुलिस को निर्देशित कर सख्त कार्यवाही करवाने की बात कह रहे हैं, जबकि पुलिस मानती है कि जिले में पाउडर का नशा बड़ी मात्रा में हो रहा है और इंदौर, रतलाम, आगर सहित बड़ौद, उज्जैन से यहां नशा बेचा जा रहा है, जिसके लिए मुखबिरी लगाई गई है और जल्द नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कि किसी सफेद तरीके का जो पाउडर है वो आ रहा है और उस पाउडर का उपयोग युवा साथी कर रहे हैं और साथ में एक लिक्विड वाली पोटली भी आती है उसका भी भरपूर उपयोग कर रहे हैं, ये जानकारी भी मिली है मुझे। मैं इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस विभाग और अधिकारियों को निर्देश दूंगा और ये हर हालत में बंद होना चाहिए और इसको लेकर जहां जहां भी बेचने वाले या इसका सप्लाई करने वाले पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि जिले में पाउडर की बिक्री हो रही है, युवा बिल्कुल नशे की जद में आ रहे हैं। हाँ, अभी नशा मुक्ति का हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और उसके तहत हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कुछ सूचनाएं हैं कि यहाँ बाहर से कहीं से इस तरह के नशीले पदार्थ जो है भेजे जा रहे हैं और लोग उसका सेवन कर रहे हैं, तो इसमें मुखबिरी लगाकर हम आगे की इसमें प्लान के साथ कार्रवाई करेंगे।